The wealth of 9 richest persons in India is equal to the wealth of the 50% poorest. और मैं आपको एक और बात बता दूं, भारत को इससे क्या मिला? Hunger index, India ranks 103 out of the 119 countries. भुखमरी साहब, इंडिया ranks 103 out of the 119 countries. वर्ल्ड बैंक ने डेवलपिंग टैग हमारे देश से वापस ले लिया है और अंडर डेवलपिंग कैटेगरी लगा दी है. जाओ किसी से मर्जी पता कर लो. Developing tag of India has been taken away by the World Bank. And under developing category, अब मैं आपको बड़ी चीज दिखाता हूं. जो कर्जा भारत वर्ष ने 1947 से लेके 2014 तक, कितने साल हो गए? मैं मैथ्स में थोड़ा कमजोर था. 50 और 64 और 3, 67 साल में जो कर्जा 50 लाख करोड़ का हुआ देश के ऊपर, मोदी जी ने 4 साल में उसे 82 लाख करोड़ कर दिया. इट इज अ 50% इंक्रीज इन 4.5 years. ये देशभक्ति है तुम्हारी? आओ ना मोदी साहब, बैठते हैं कहीं, चाय पीते हैं और चर्चा करते हैं. जो कर्जा भारत वर्ष ने 1947 से लेके 2014 तक, कितने साल हो गए? मैं मैथ्स में थोड़ा कमजोर था. 50 और 64 और 3, 67 साल में जो कर्जा 50 लाख करोड़ का हुआ देश के ऊपर, मोदी जी ने 4 साल में उसे 82 लाख करोड़ कर दिया. इट इज अ 50% इंक्रीज इन 4.5 years. ये देशभक्ति है तुम्हारी? आओ ना मोदी साहब, बैठते हैं कहीं, चाय पीते हैं और चर्चा करते हैं. जॉब लॉस दोनों तरफ से हुआ है, प्राइवेट सेक्टर में भी, गवर्नमेंट सेक्टर में भी, दोनों तरफ से. डीमोनेटाइजेशन हुई, 50 लाख जॉब गए. परसों ही आया आंकड़ा, पूरा बिल्कुल फिट. एनएसएसओ कहता है कि 1 साल में 1,10,00,000 नौकरियां गई. 45 साल में इट इज द हाईएस्ट. डायरेक्ट रिक्रूटमेंट डिक्लाइन बाय 89%. 25 लाख नौकरियां पड़ी. यूपीएससी रिक्रूटमेंट इज फॉलन बाय 40%. अकॉर्डिंग टू द ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ओनली 8.23 लाख जॉब्स पर जेनरेटेड साहब. और आपने कहा था 10 करोड़ जॉब 5 साल में. बहनों भाइयों, 2 करोड़ पर साल, 10 करोड़ कहा था. और जॉब्स जो जेनरेट हुई हैं साहब, वो 8 लाख. प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम 8.2 पे ग्रो कर रहे हैं जी. क्या बात है, मतलब हद ही हो गई यार. मतलब इतना झूठा प्रधानमंत्री. 8.2 पे ग्रो कर रहे हैं और नौकरियां सारी चली गई. चाइना 6.2 पे ग्रो कर रहा है, 6.2 पे, एंड 65 मिलियन जॉब्स इन 5 years. 65 मिलियन जॉब्स, 35,000 नौकरी एक दिन में. तो ये कैसे हो गया? आपकी GST जो आप कलेक्ट करते थे, वो 1,00,000 करोड़ कैसे कम आ गई एक साल में? आपका जो टारगेट था जीएसटी का, वो 1,00,000 करोड़ कम कैसे हो गया? इनफॉर्मल इकोनॉमी में 85% वेल्थ विड्रॉ की और आपकी GDP ऊपर चढ़ गई. इसके कौन सा आपने प्रोपेलर लगाया था? अब लॉस देखिए आप कैसे हो रहे जी. BSNL प्रपोज 31% जॉब कटिंग, विच इज 54,450 जॉब्स गॉन. MTNL proposes closing of MTNL. Closing. HAL proposes 20% cutting of jobs. 23.8 lakh job vacancies. 10 lakh kept vacant. 10 lakh education mein, 2.4 lakh railway mein, armed forces 1.23, Anganwadi 2.2, postal department 54,000. 25 lakh hai sahab. ना राम मिला ना रोजगार मिला.
हर गली में मोबाइल चलाता हुआ एक बेरोजगार मिला।